किसी पाप के कारण स्त्रियों जल्दी विधवा हो जाती हैं। नंबर एक, जो स्त्रियां सूर्यास्त के समय सोती हैं। नंबर दो, जो स्त्रियां सूर्योदय के बाद उठाती हैं। नंबर तीन, जो स्त्रियां सुबह उठकर बिस्तर ठीक नहीं करती है। नंबर चार, जो स्त्रियां ज्यादा पानी बर्बाद करती है। पाँच, जो स्त्रियां एकादशी के दिन चावल खाती है। नंबर छह, जो स्त्रियां रात को किचन में झूठे बर्तन छोड़ती है। नंबर सात, जो स्त्रियां क्रोध में खाने की थाली को फेंक है। नंबर आठ, जो स्त्रियां झाड़ू को पर से इधर उधर करती है। आपकी पति सदा स्वस्थ एवं मस्त रहे, उसके लिए उससे प्यार से बात करें और खाना खिलाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से नहाता नहीं है, है तो नकारात्मक ऊर्जा जाए उसकी ओर आकर्षित होती है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी उसके कामों में बाधा डालती है। धार्मिक विचारक बताते हैं कि लक्ष्मी माता लक्ष्मी की बहन है, जिन्हें निर्धनता की देवी माना जाता है। नियमित स्नान न करने वाले व्यक्ति के घर में नियमित क्लेश होता है और वह धन की कमी में जीवन बिताता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोग को पापी माना जाता है और जीवन में बहुत परेशानी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो रखें इन पांच बातों का ध्यान। नंबर एक, पीरियड्स के समय नहीं पढ़ सकती हनुमान चालीसा। नंबर दो, हनुमान जी के आगे सर नहीं झुकना चाहिए। हनुमान जी माता सीता को माँ मानते थे क्योंकि उनके लिए सभी महिला किसी भी उम्र की हो वह माँ समान ही होती थी। नंबर तीन, हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर चार, हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में न लगे। नंबर पाँच, स्त्रियों को तस्वीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम गुरुवार को करें, यह उपाय सारी परेशानियां होगी दूर। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह और विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के दिन क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, पीले रंग के कपड़े पहने सूर्य देव तुलसी केले के वृक्ष में गुरुवार को करें, यह उपाय सारी परेशानियां होगी दूर। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह और विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के दिन क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, पीले रंग के कपड़े पहने सूर्य देव तुलसी केले। नंबर दो, गंगाजल में हल्दी मिलाकर घर परिवार के सभी एक सूरज ढलने के बाद कभी भी हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। हल्दी का दान करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है, इससे कई तरह की परेशानियां आने लगती है और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं। दो, ज्योतिष शास्त्र में शाम का समय माँ लक्ष्मी का समय माना गया है। इस समय घरों में दूसरों का आगमन होता है, ऐसे में धान का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और वह रूठ कर चली जाती है। सूर्यास्त के बाद धन का दान करने से घर में दरिद्रता आने लगती है। दूध और दही का रंग सफेद है और इन्हें चंद्रमा से प्रभावित माना जाता है। ज्योतिष के सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही दान करने का प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में कंगाली आती है। शनिवार को कपूर से करें, यह उपाय घर में सुख समृद्धि के लिए। शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर इन्हें साथ में जला ले। जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने घर के सभी कमरों लगेज में घूमे। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर चित भी मार सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर दिल करे तो शनि देव के चरणों में एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय शनिदेव।